हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले मैथ का ऑनलाइन टेस्ट। देखिए, वीडियो तो आपकी वही रहेगी, बट मैं टेस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आप इसमें क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत दिनों से हम रिवाइज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आप एक बार टेस्ट लगा के भी देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। ये सभी के लिए है, RPF, ग्रुप डी, SSC GD, हरियाणा SSC, बिहार पुलिस, UP पुलिस, सभी के लिए है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। और हैप्पी दिवाली सभी स्टूडेंट्स को, आप अच्छे से दिवाली को एंजॉय करिए और पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और बिल्कुल हिंदी में मैं आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लिखा है, इन एग्जामिनेशन इट रिक्वायर्ड 296 मार्क्स आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स टू पास। टोटल नंबर में से 296 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है? एक एग्जामिनेशन में 296 नंबर चाहिए हमें पास होने के लिए, ठीक है? एक स्टूडेंट को 222 मार्क्स मिले और वो 10% से फेल हो गया। एक बच्चे को 222 मार्क्स मिले और वो 10% से फेल हो गया। व्हाट आर मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट? अब देखिए, यहाँ पे मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस बच्चे को पास करा दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 296 के, क्योंकि टोटल नंबर में से कितने नंबर हमें चाहिए पास होने के लिए? 296। तो मैं क्या करूँगा, इस 222 वाले इस स्टूडेंट को जिसको 222 मार्क्स मिले हैं उसमें 10% प्लस कर दूंगा। तो 222 प्लस 10% किसके इक्वल हो जाएगा? 296 के, क्योंकि जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं? 296 है। समझ गए इतनी चीज़ आप? अगर आप इतनी छोटी सी चीज़ समझ गए हैं तो समझिए क्वेश्चन हो चुका है। क्योंकि मैं अब क्या करूँगा, 10% बराबर क्या होगा, ये 222 इधर चला जाएगा, तो 296 में से 222 को माइनस करेंगे तो आपका 74 आ जाएगा। 10% के इक्वल आपका 74 है, तो 100% के इक्वल वोट यहाँ पे, क्योंकि पूछा है मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट कैन गेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं वो आपको बताना है। तो 10% की वैल्यू आपकी 74 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। तो 74 को डिवाइड करेंगे हम 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये जाएगा 0 से 0 कट जाएगी। तो 74 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? 740, यानी कि 740 मार्क्स आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स आ जाएंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट, यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ है जिसमें दो कैंडिडेट हैं, 68 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, 68 वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई है, यानी कि उनको मान्य नहीं किया गया है, ठीक है? द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52% एंड विनिंग बाय 98 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल इज, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स बतानी है कि कितनी वोट्स थी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स है x, ठीक है? x का 52% किसको मिला है? विनिंग कैंडिडेट को, जीतने वाले कैंडिडेट को 52% मिला है, तो x का 52%। और यहाँ पे जो हारने वाला कैंडिडेट होगा उसको कितना मिलेगा? उसको 48%। जब 52% जीतने वाले को मिल जाएगा तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 48%। तो यहाँ पे x का 48% लिख देंगे, ठीक है? तो x का 52% माइनस x का मल्टीप्लाई यानी कि 48% किसके इक्वल हो जाएगा? 98 के, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52% एंड विन बाय 98 वोट्स, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उस वो 98 वोट से जीतता है, समझे आप इस चीज को? तो यहाँ पे 52% उसको वोट मिल रही है और वो जीता कितने से? 98 से है, तो इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 98 का। तो बस आपको यही इक्वेशन बनानी थी। अब आपको क्या करना है, देखिए x को मैं एक साइड में ले लेता हूँ, 52% माइनस 48%, तो कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा? 98 के, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई यहाँ पे 98 हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा इसमें से जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 4/100 और ये किसको हो जाएगा? 98 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरीके से, x एक साइड रख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 × 100 और डिवाइड बाई 4, तो ये 4 से जाएगा 98, 24.50 और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 में, तो टोटल आपकी आ जाएगी 2450, ठीक है?
तो ये 2450 आपकी एक्स की वैल्यू आई है। यहाँ पे टोटल वोट्स पूछी गई है, टोटल वोट्स का मतलब है जो इनवैलिड वोट्स बताई गई थी ना 68, इनका भी आपको बताना है। तो ये 2450 वोट्स में 68 भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2518, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है 2518, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेस्ट मैंने बोला था बट मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आप वीडियो को रोक करके ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ उससे आप जल्दी से जल्दी समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12,000 इज लैंडेड एट 10% ऑफ सीआई, हाउ मच वुड बी द कंपाउंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। 12,000 यहाँ पे आपका अमाउंट है, ठीक है, तो 12,000 का आप 10-10% करके 3 जगह निकाल लीजिए, वही आपका हो जाएगा 3 ईयर का इंटरेस्ट। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, जितने भी ईयर का बोला जाए उतने तरीके से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 12,000 लिखा है, अभी 3 ईयर का मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ। एक तो सिंपल यही है, 12,000 का 10% निकालिए, 1200 आ गया। अब ये 1200 तो 3 साल का निकालना है ना, तो 1200 1200 1200 3 साल में फिक्स कर दीजिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होगा, तो ये 12 12 और 12 ये तो आपका फिक्स है। फिर आपको क्या करना है, 12 का जो ये 1200 है ना, तो 1200 का 10% निकालिए, 120 आएगा, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आपका 120 हो गया। फिर थर्ड ईयर में इन सभी का निकालेंगे, यानी कि 1200 प्लस 1200 प्लस 120, कितना हो जाएगा 2520, और 2520 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 252, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200 तो मैंने फिक्स कर ही दिया था ना तीनों साल में, इन सभी को प्लस कर लीजिए, 3972 आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है आपसे अमाउंट, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, 12,000 इज लैंडेड एट अ 10% ऑफ सीआई, हाउ मच वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3,972। अगर आपसे पूछा जाता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सीआई। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है, तो यहाँ पे क्या करना है 12,000 प्लस 3,972 आपको प्लस करके यहाँ पे बताना है, तो ये क्या कितना हो जाएगा 15,972 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था, और आप ट्राई भी कर रहे होंगे ना साथ साथ में वीडियो को रोक रो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 18:15 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 18:18 होगा, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। देखिए भाई सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यहाँ पे समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु कितनी है, 8 और 15 है, तो हमने क्या बोला है यहाँ पे, तनुज की वर्तमान आयु, सॉरी समीर की वर्तमान आयु 8x हो जाएगी और तनुज की वर्तमान आयु 15x हो जाएगी। बोला 9 वर्ष बाद, 9 साल के बाद उनकी आयु का रेशो ये हो जाता है, 9 वर्ष के बाद बोला है तो 99 प्लस कर देंगे, अगर 9 वर्ष से पहले बोला जाता है 9 वर्ष पूर्व तो यहाँ पे हम 99 माइनस कर देते, तो अभी प्लस कर देंगे तो 8x प्लस 9 15x प्लस 9, तो ये आपका हो जाएगा 11:18 के रेशो में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस रेशो के इक्वल हो जाता है ना भाई, ये रेशो 9 साल बाद इस रेशो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये रेशो बन जाएगा, तो मैं अगर इस रेशो में 99 प्लस कर दूं तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 की इधर करेंगे 144x, 18 की 9 में करेंगे 162, 11 की 15 में करेंगे 165, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपकी 11 की 9 में करेंगे 99। तो x वालों को एक साइड में ले लेंगे, तो x वालों को एक साइड में लेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका 21x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बचेगी, 63 डिवाइड बाय 21, तो यहाँ पे 21 से 63 जाएगा 3 टाइम, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। देखिए वर्तमान आयु का अंतर पूछा है, तो वर्तमान आयु में जो उनका रेशो है 8:15 है, तो 8:15 में आप डायरेक्ट देखिए 2 तरीके से निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है रेशो में, इनके बीच का रेशो का डिफरेंस है 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है 7, यानी कि आप डायरेक्ट 7 की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 मिली है, तो 7 या 21, तो आपका राइट आंसर जाएगा। अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो सिंपली आप एक दोनों की निकालिए, यानी कि यहाँ पे 8x, यानी कि 8x था तनुज की और दूसरे वाले की थी 15x, तो यहाँ पे 8 की 3 में करिए और 15 की 3 में करिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 21, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका ट्राई करते रहिएगा। देखिए वीडियो को रोकिए, ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है, इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो लक्ष्मी और माता की आयु का जो रेशो है वो 3:11 है, इनकी आयु का अंतर कितना है 24 है, तो इन दोनों की आयु का जो रेशो का डिफरेंस है वो कितना है 8 है। भाई रेशो का डिफरेंस केवल 8 दिख रहा है, बट जो एक्चुअल में डिफरेंस बताया है यहाँ पे वर्ष में वो कितना है 24 वर्ष का है। तो 8 बराबर 24 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 3 24, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे लक्ष्मी और माता की आयु का जो रेशो था उनका हमने डिफरेंस निकाला, 8 आया, 8 बराबर 24, 1 बराबर आपका 3 हो गया। तो 1 रेशो की वैल्यू आपको पता चल गई। अब पूछा क्या जा रहा है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है 3 × 3 9 और 11 × 3 33, ये आ गई वर्तमान की आयु। 3 वर्ष बाद पूछा है तो 3 प्लस कर दीजिए, तो 9 में 3 प्लस करेंगे 12 और 33 में 3 प्लस करेंगे तो 36। तो 12 और 36 इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 1:3 का है, ये ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 × 12 = 36, तो 1:3 का रेशो इस तरीके से बन जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% लाभ हो। दूध का क्रय मूल्य हमने मान लिया 1 रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं दिया गया ना। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दूध तथा पानी का अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को, दूध और पानी, यहाँ पे दो बर्तन है, एक दूध का है एक पानी का है, इन दोनों में से दूध और पानी निकाला जाए, किस रेशो में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है, जो ये मिश्रण बनेगा ना, मिश्रण को बेचा जाए तो 16.2/3% का हमें लाभ हो, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सीधी सी बात है, हमने दूध को 1 रुपये का मान लिया, भाई दूध की तो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी दूध की होगी, क्योंकि पानी का कोई प्राइस नहीं होता है। अब ये मत बोलिएगा कि दिल्ली में प्राइस होता है तो यहाँ पे आप प्राइस क्यों नहीं बता रहे हैं, तो वो दिल्ली का अलग कॉन्सेप्ट है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो पानी का कोई प्राइस नहीं होता है, ठीक है ना। तो और बिसलरी की बोतल का भी यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पानी दूध में मिलाने की बात की जा रही है, तो इसका कोई यहाँ पे हम जो प्राइस मानेंगे पानी का वो 0 मानेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि वो कुछ प्राइस मान लेते हैं, या फिर कुछ भी गलती कर सकते हैं। तो जो प्राइस मानेंगे वो 1 रुपया माना हमने दूध का, कुछ भी मान सकते हैं, कैसे भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, मैंने 1 रुपया माना दूध का प्राइस। इसमें आपका 16.2/3% का प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ दूध को बेचने से ही होगा, सॉरी पानी को मिलाने से होगा, तो टोटल आपका जो प्रॉफिट होगा वो पानी के आधार पर होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसको मैं फ्रैक्शन में बदल लेता हूँ, ये हो जाएगा 50/3% प्रॉफिट। तो 100 + 50/3 ये हो जाएगा, और गुना कर देंगे 100 से, तो 100 को डिवाइड करेंगे 350 और ये 350/3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300/350। तो औसत जो मूल्य है आपका वो कितना आ गया 6/7, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का निचोड़ है यहाँ तक का। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो समझिए आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिल्क का प्राइस 1 है, वाटर का प्राइस 0 है, और जो आपका मिश्रण है जो हमने बताया प्रॉफिट निकाल के आपका वो कितना है 6/7 है। इसको इसमें से माइनस करिए 1/7, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 6/7। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो बेस सेम है, कट कर देंगे तो 6:1 का रेशो आपका हो गया। तो मिल्क और वाटर को अगर 6:1 के रेशो में मिलाया जाए तो आपका जो मिश्रण होगा उसको सेल करने पर 16.2/3% का लाभ होगा। तो क्वेश्चन अच्छा था ना, अगर आपकी समझ में आया तो लाइक करिए, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में नहीं आया, ताकि मैं दोबारा से आपको इस क्वेश्चन को समझा सकूं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से, 3 साझेदार ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ए ने 3,000 रुपये 8 माह के लिए, बी ने 4,000 रुपये 9 माह के लिए तथा सी ने 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए निवेशित किए, वर्ष के अंत में कुल 15,000 रुपये का लाभ में से प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। अब जो जितने दिन के लिए पैसे लगाता है उसको उतना ही प्रॉफिट मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब अगर जब भी हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि जो जितने दिन के लिए अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही परसेंट या उतने ही रेशो में प्रॉफिट मिलेगा।
तो यहाँ पे बात किया जा रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है, जिसने ए जिसमें से ए ने 3,000 रुपये लगाए 8 माह के लिए, 8 महीने के लिए, तो 3,000 ठीक है, इनकी 3,000 की मल्टीप्लाई 8 में करके लिख लेंगे। यहाँ पे 4,000 रुपये लगाए बी ने 9 महीने के लिए, तो 4,000 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 3,600। और यहाँ पे सी ने लगाए 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए यानी कि 12 महीने के लिए, तो 5,000 × 12 करके यहाँ पे 60,000 लिख लेंगे। इन सभी का हम निकाल लेंगे रेशो, रेशो निकालेंगे तो सभी में कॉमन क्या है, 0,0 है, तो 0,0 कट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, तो 2:3:5 का रेशो है आपका, ये रेशो हो गया ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 15,000 का कुल लाभ है आपका, देखिए कुल लाभ जो है वो 15,000 का है, इसमें पूछा है प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक का भाग आपको इन तीनों को प्लस करना है, प्लस करके कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5 और 5 × 5 = 10, तो 15,000 को 10 से भाग करिए, ए का निकालना है 2 से मल्टीप्लाई, बी का निकालना है 10 से भाग करिए 3 की, और सी का निकालना है तो 10 से भाग और गुणा 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,000 ये हो जाएगा ठीक है, 4,500 और 7,500 आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी का रेशो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे रेलगाड़ी से ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती कर जाती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी। अभी यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में पार कर जाती है। सेकंड क्यों बोला मैंने, क्योंकि 100 मीटर बोला है ना, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 60 सेकंड में पार कर जाती है, 1 मिनट में पार कर जाती है, तो खड़े हुए व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। दो कंडीशन होती है, अगर ट्रेन किसी भी खड़े हुए व्यक्ति को पार करके जाएगी तो सिर्फ वहाँ पर हम रेलगाड़ी की लंबाई को लेंगे और रेलगाड़ी की चाल को लेंगे। अगर रेलगाड़ी किसी भी लंबी चीज़ को पार कर जाती है, जैसे खड़ी हुई ट्रेन को, जैसे आपका प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे आपका ब्रिज हो गया, अगर किसी भी लंबी चीज़ को पार करके जाती है तो आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना होगा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की लंबाई तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले निकालेंगे। समय आपको दे रखा है ना, समय बराबर होता है आपका रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और डिवाइड कर देंगे रेलगाड़ी की चाल से। ये कंडीशन कौन सी है, जब रेलगाड़ी किसी लंबी चीज़ को पार करके जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 सेकंड मैंने समय लिख लिया, रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं तो इसको x मान लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है इसको 100 मान लिया, चाल कितनी है रेलगाड़ी की, अब ये दे रखा है किलोमीटर में, इसको बदलना है आपको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई वो मीटर में है तो हमें चाल मीटर पर सेकंड में चाहिए होगी। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई किलोमीटर में होती तो हमें चाल किलोमीटर पर आर में चाहिए होती, समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को। तो जब भी हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से, ये फिक्स है, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 45 की 5/18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे हम किससे, 9 से, सॉरी इसको करेंगे हम 3 से, 36/18 हाँ 3 से कट करेंगे तो 6 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा ठीक है, और इसको हम कट करेंगे फिर 3 से तो ये 2 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, तो 5 की 5 में करेंगे 2 25/2, तो ये 25/2 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई। इसको डिवाइड करेंगे 25/2 से तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 25 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60 = x + 100 × 2/25, तो 2x + 200, देखिए इस तरीके से हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 2x और ये हो जाएगा 200, 2x + 200 और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ली है 1500 ठीक है, 25 की 60 में करेंगे 1500 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, क्योंकि 200 मैंने इसमें से माइनस कर दिया इधर लाके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300/2, तो ये हो जाएगा 650, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 650 है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है मीटर पर सेकंड में, 25/2 मीटर पर सेकंड, बस आपको अब इतना ही करना है, तो ये आ जाएगा रेलगाड़ी खड़े हुए व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मैंने अभी आपको बताया था रेलगाड़ी जब भी किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई से डिवाइड कर देंगे रेलगाड़ी की चाल को, तो 650 को हम डिवाइड करेंगे 25/2 से, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 25 बचेगा, तो 650 × 2 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 से जाएगा कितनी बार, 26 टाइम, 26 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा,
52 सेकंड, ठीक है? तो याद रहेगा 52 सेकंड। तो रेलगाड़ी किसी खड़े हुए व्यक्ति को 52 सेकंड में पार कर जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन को घुमा रखा था, हमें जो चीज़ें चाहिए होती सबसे पहले हमें वो निकाली जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वहाँ से आपने उस क्वेश्चन को यूज़ करके जो डाटा दिया होता सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकाली, उसके बाद आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, बस सर्च करना होगा टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे। देखिए ये आपके स्पेलिंग है TOPIC STUDY, टॉपिक स्टडी सर्च करना होगा। वहाँ पे ऑलरेडी 80,000 बच्चे जुड़ चुके हैं ताकि उनको PDF मिल सके, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारी PDF है वहाँ पे, और जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसकी भी PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी दिवाली अगेन। सभी अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट करिए, कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपको आपको या फिर किसी को भी नुकसान हो। बस अच्छे से इन्जॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ ये करेंगे। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।